दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। शैतान को कैद करने का करता था दावा, मौत के बाद उठा रहस्य से पर्दा तो कांप उठे लोग। इस दुनिया में सभी रहस्यों का अपना अलग अलग दावा है, कई कहानियां तो ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। आज हम आपको ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने खुद को दुनिया का सबसे रहस्यमय और दुष्कर्मी व्यक्ति माना। यह ब्रिटेन में रहने वाले एलिस्टेयर क्रॉल की कहानी है। 1875 में एक महान परिवार में पैदा हुए क्रॉल ने खुद को द ग्रेट बीस्ट 666 नामक शैतान के रूप में ढाला। उनका परिवार ईसाई धर्म में विश्वास करता था, लेकिन वह स्वयं ईसाई धर्म पर विश्वास नहीं करता था। यही कारण है कि उसने खुद का धर्म बना लिया। क्रॉल ने अपने धर्म का नाम थेल्मा रखा और सबसे बताया कि इस धर्म ने खुद को बहुत गुप्त रूप से रखा है, केवल कुछ लोगों को उनके बारे में पता है। क्रॉली ने अपने माता पिता को अपने धर्म के लिए छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के शीर्ष पर चढ़ने के लिए क्रॉल को सनक सवार थी। उन्होंने इसके लिए भी प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अफसोस की बात है, वह भारत पहुंचे। दावा है कि भारत में क्रॉल ने काला जादू सीखा और फिर ब्रिटेन लौट आया। क्रॉल, जो जादू और तंत्र में विश्वास करते थे, खुद को दुनिया में सबसे बुरा व्यक्ति मानते थे। उन्होंने सेक्स को अपने धर्म में एक अलग स्थिति दी थी। उन्होंने कई महिलाओं को किडनैप किया और उनसे जादू के नाम पर बलात्कार किया। इस समय के दौरान वह कई नशीले पदार्थों का उपयोग करता था। क्रॉल ने दावा किया कि उसे अपने घर में बंदी बनाया गया था। 1947 में उनकी मृत्यु के बाद उनके घर की नीलामी हुई थी। जीते जी क्रॉल ने किसी को भी घर के अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लोगों को घर के अंदर जाने का मौका मिला। ब्रिटेन में क्रॉली के डरावनी घर को देखने के लिए लोग हैरान हो गए। एक दंपति ने क्रॉल के घर को खरीदा, लेकिन उनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा मानसिक रूप से पागल हो गया। मुश्किल से कुछ शोधकर्ताओं ने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी जिन पर उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था।